अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पापलेट मछली का सालन। तीन, चार, पाँच, छः मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची भिगो के रखी थी और साथ तीखी मिर्चियाँ भी भिगोई थी साथ में। इसका थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे पीसने के लिए मसाले को। एक कप मैंने फ्रेश नारियल लिया है, पूरा नहीं है भरकर, ये एक कप है। ये तीन मीडियम साइज टमाटर भी इसमें ऐड करेंगे, एक छोटी सी प्याज कटी हुई इसमें ऐड करेंगे, तीन टीस्पून अखा धनिया लिया है, एक टीस्पून जीरा लिया है, ये भी इसमें ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे आधा टीस्पून। अब इसको पीस देंगे एकदम बारीक। हाफ कप तेल गरम हो रहा है, इसमें ऐड करेंगे हाफ टीस्पून राई, एक छोटी सी प्याज कटी हुई है, कुछ कड़ी पत्ते हैं, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी प्याज को पिंक कर लेंगे, प्याज ब्राउन हो गई है, इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ हमारा पिसा हुआ मसाला। साथ में ग्रेवी के हिसाब से पानी भी ऐड कर देंगे इसमें। सालन को बॉईल आ रहा है, तब तक मैं आपको ये बताती हूँ। मैंने 15 कोकम भिगाए हैं धोकर, ये पानी के साथ इसमें ऐड करेंगे। कोकम आपको कम लेना है तो कम लीजिए, जिसको खट्टा ज़्यादा पसंद है वो 15 लीजिए। प्याज ब्राउन होने के बाद आपको एक टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करना होगा, मैं भूल गई थी इसलिए अलग से। अभी तेल गरम करके, 1/3 कप तेल गरम करके अदरक लहसुन फ्राई करके इसमें डाल रही हूँ। लो करके आपकी जब प्याज ब्राउन हो जाए तो आप अदरक लहसुन पेस्ट उसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून। अब मैं ये अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर रही हूँ इसमें। सालन 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी धुली हुई 1/2 किलो पापलेट। गैस को सिम पे करके इसको ढककर रख देंगे 5 मिनट तक।
फिश गलने के लिए। 5 मिनट हो गए हैं सालन को सिम पे रखते हुए, मच्छी भी पक चुकी है। देखिए अच्छे से मच्छी पक चुकी है, 5 मिनट में कोई भी मछली हो पक जाती है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। पापलेट मछली का सालन तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।